हम सबके परिचित हैं, सभी विद्यालयों से परिचित हैं, सभी प्रबंधकों से परिचित हैं, सभी प्रधानाचार्यों से परिचित हैं, सभी शिक्षक और शिक्षक बहनों से परिचित हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से जो फोकस है वो हमारी इसी विधानसभा के अंदर केंद्रित है। 40,000 से अधिक मतदाता इस बार इस खंड शिक्षक चुनाव के अंतर्गत बनाए गए हैं। पहले ये संख्या 14-15 हजार होती थी, लेकिन इस बार 40,000 के पार है। हमारे जनपद में भी 4,000 के ऊपर मतदाता हैं और इस धनौरा विधानसभा में 1457 वोट बना करके सर्वाधिक वोट बनाने का काम आप सभी ने किया है, हमारे सम्मानित साथियों ने किया है। तो जिताने की जिम्मेदारी भी आप सभी की, हम सभी की है और आप सभी उसके लिए लगे हुए हैं। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से, सभी बहनों से, आदरणीय जो प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, आदरणीय शिक्षक हैं हमारे, उन सभी से यही आग्रह करता हूं कि प्रत्याशी हमारे बीच के हैं, प्रत्याशी हमारे अपने हैं, सबके परिचित हैं। पूर्व में भी विधान परिषद का अनुभव उनके पास है, वो 6 वर्ष विधान परिषद में रह करके हमारी आपकी आवाज को उठा चुके हैं, शिक्षकों की आवाज को उठा चुके हैं और उन्हीं के सहयोग प्रयास के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण जो CBSE बोर्ड के विद्यालय हैं या अन्य जो हमारे विद्यालय हैं जिनको मत का अधिकार नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया और सभी के वोट बनवा करके एक अधिकार दिलाया है। तो इसलिए मैं आप सभी को एक आग्रह करता हूँ कि भारत के संविधान में, भारत में वोट की कीमत बहुत होती है, इसमें छोटा बड़ा ये सब भेद नहीं होते। तो इसलिए इस वोट का प्रयोग जरूर करें, अपने के लिए, अपने पड़ोसी के लिए करें, अपनी पार्टी के लिए करें, ऐसी पार्टी के लिए करें जिसके प्रधानमंत्री का पूरा देश ही परिवार है। 135 करोड़, 130 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जिनका 24 करोड़ आबादी का प्रदेश पूरा परिवार है, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, तो इससे बड़ा राजधर्म निभाने वाला कोई व्यक्ति इतिहास में देखने को नहीं मिला है। दोनों बहुत स्वच्छ छवि के साथ, छवि के उत्तर प्रदेश और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत हमारा नया भारत बने, ऐसा भारत जो पूर्व में जिसको विश्व गुरु के रूप में जानते थे और उसको विश्व गुरु की उपाधि केवल हमारे ये गुरु ही दिला सकते हैं, ऐसी प्रतिभाओं को निकाल कर जो आगे हमारे देश के मान को बढ़ाएंगे, हमारे भारतवर्ष के मान को बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ कि जो भारतवर्ष एक नया भारत बन रहा है, यहाँ पर मेक इन इंडिया के माध्यम से बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, तो आप लोग ही उन प्रतिभाओं को निकाल कर आगे लेकर आए हैं जिसके कारण हमारे देश में आज विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, हमारा आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हमारा भारत नौजवान भारत है। 70% से अधिक आबादी हमारे देश में 40 वर्ष के नीचे वाली है, तो इसलिए हमारे पास मेन पावर है, हमारे पास वो सारे संसाधन है, सारे जो करना चाहते हैं, अपने भारत को आगे ले जाने चाहते हैं, सारे प्रबंध हमारे पास है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है, उसको संभालने की आवश्यकता है और उस सबको भली भांति आप लोग संभाल रहे हैं, आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।